और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राम मंदिर पर सियासत भी लगातार जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साल 2005 की राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गांधी परिवार की तीन पीढ़ियां 2005 में अफगानिस्तान में बाबर के मजार पर गई थी, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी को रामलला और हिंदुओं से नफरत है। लगातार सियासत भी इसको लेकर हो रही है। 22 जनवरी का दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले आप देखिए राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला करते हुए यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा दिखाई दी है। अब एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाबर के मजार पर जाने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है, और इसी मुद्दे पर बीजेपी के दूसरे नेता भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बाबर के मकबरे पर जाएंगे, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। और इधर शलभमणि त्रिपाठी ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साध दिया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, और ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। ट्वीट में लिखा, बाबर जन्मभूमि पर लालायित होकर गए, शीश नवाए, फूल चढ़ाए, पर राम जन्मभूमि का आमंत्रण अपमान कर ठुकरा दिया, हे राम। ये लिखा है शलभमणि त्रिपाठी ने। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आतंकी संगठन अयोध्या में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आशंका जताई गई कि आतंकी उस समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरह 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलल डाला जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी इस समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और बड़े अधिकारियों को टारगेट कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी संगठन 22 जनवरी को या उससे पहले अयोध्या में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अलर्ट ये भी जारी किया गया कि कुछ कट्टरपंथी संगठन एक समुदाय के लोगों को भड़काने में जुटे हैं, और उनकी प्लानिंग अयोध्या या फिर UP के किसी दूसरे शहर का माहौल खराब करने की है, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं, इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की, और उस बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दे दिए गए। इसी कड़ी में अयोध्या की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी। इस सिस्टम की मदद से अयोध्या के आसमान में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को फौरन जमीन पर गिराया जा सकेगा, क्योंकि 22 जनवरी को यूपी पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के पूरे इलाके में कोई भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। ड्रोन के खतरे को भांपते हुए अयोध्या में यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी। इस सिस्टम की मदद से आसमान में उड़ने वाले परिंदों तक पर नजर रखी जा सकेगी। दावा तो यह है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की पकड़ में आने के बाद आसमान में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को कंट्रोल करने का अधिकार पुलिस कर्मियों के हाथ में आ जाएगा, यानी पुलिस वाले एक तरह से आसमान में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को हैक कर लेंगे। पुलिस के बड़े अफसरों ने इस सिस्टम की जांच करने के लिए कुछ ड्रोन उड़ाकर भी देखे। पहले जमीन से कुछ ड्रोन उड़ाकर आसमान में भेजे गए, और फिर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उन्हें गिराने का अभ्यास किया गया।